क्या आप द्वंद युद्ध करते करते थक गए हैं और फिर भी आपके स्लग्स नए मूव्स नहीं सीख पाए? क्या? हाँ जी बिल्कुल। क्या दूसरे स्लिंगर्स को बेहतरीन स्लग्स मिल रहे हैं और आपको मिल रहे हैं सिर्फ फ्लॉपर्स? आलसी और सड़े हुए फ्लॉपर्स। हाँ जी। स्लग चूज करने में क्या आप कंफ्यूज हैं या आपको ये भी नहीं पता कि आपका स्लग करता क्या है? इसे तो मेरी दिमागा की बात पता चल गई। हाई तो आइए क्लब स्लग में। हम जानते हैं कि एक स्लग को पावरफुल बनाने के अलावा आपके पास और भी कई काम है। आओ भाई तुम्हारे पास अभी चारा हूँ दोस्त। भाई स्लग ने 5 नए मूव सीखे अब अभी सिर्फ 7 दिन में। और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा सिवाय घर बैठकर देखने के, और वो भी आराम से मसाज लेते हुए एक फुल्ली एयर कंडीशन स्पा में। थैंक यू साजन स्लग। मैं अपने नाखूना कटवा लूंगा। इंतजार कैसा? मैं हूँ साजन स्लग और मैं तो कहूँगा उठिए, अपने बैग पैक कीजिए और मुझे आपका काम करने दीजिए ताकि आप आराम कर सके। ये एक ऑर्डर है। हाँ सर जी। ये सर अभी से ही माफी मांग लो, क्योंकि मुझसे हारने के बाद तुम उसके काबिल भी नहीं रहोगे। तुम धमकी दे रहे हो या फिर जोक सुना रहे हो? मैं केव ट्रॉल हूँ, कोई कॉमेडियन नहीं। बात में दम तो है। तुम दोनों कर क्या रहे हो? अपने ओपोनेंट को डराने और धमकी देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसा होगा अगर हम धमकियाँ कम दें और ट्रेनिंग ज्यादा करें? बहुत अच्छे बैंगर। निराश मत होना कॉर्ड, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। शायद तुम्हारे लिए। कुछ महीनों पहले तक तो तुम्हें एक ब्लास्टर से स्लग निकलता कैसे ये नहीं पता था, और अब मैं तुमसे एक मैच नहीं जीत पा रहा हूँ। प्रॉन्टो, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? आहा, बहुत अच्छा सवाल पूछे। मुझे भी आप सबसे एक सवाल पूछना है। द्वंद युद्ध करते करते क्या आप सब लोग थक गए हैं क्या? नहीं, एक स्लग स्लिंग होने में यही तो मजा है। हाँ, जब आप हर बार जीत रहे हो तो। क्या दूसरे स्लिंगर आपको बड़ी बेशर्मी से हरा रहे हैं जी? वैसे मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। और मुझे लगता है जी, इसलिए मैंने हम सब के लिए एक शानदार छुट्टी का प्लान बनाया ना, क्लब स्लग में। अच्छा, पर मैं एक स्लिंगर हूँ, कोई डांसर नहीं। कोई डांसिंग क्लब नहीं है, ये रात में आने वाली एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है। वो स्लग्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग कैंप और स्लिंगर्स के लिए वेकेशन है। वेकेशन? सच में? हाँ, तुम्हारा को तो चलना ही पड़ेगा ईलाय। तुम दिन रात बहुत मेहनत करते हो, और जब तुम किसी पूल पर आराम कर रहे होंगे तब तुम्हारे स्लग्स को जिस्मानी और दिमागी ताकत मिलेगी ना, और वो भी सिर्फ एक ही हफ्ते में जी। वैसे सुनकर विश्वास नहीं होता, पर पूल वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा करने से मैं तुमको हरा पाऊँ ईलाय, तो मैं भी चलूंगा। वैसे इसकी फीस कितनी होगी? ये सफलता की कोई कीमत नहीं होती। सीधे सीधे बताओ प्रॉन्टो। क्या है? मैंने बताया नहीं कि हमको कम पैसे में जाने मिल रहा।
सिर्फ अपना आधा सोना देना पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं वो नए ब्लास्टर के लिए बचा रही थी। हमने कितने मेहनत से उसे कमाया था प्रॉन्टो, और इसी वजह से तुम्हें छुट्टियां लेनी चाहिए। देखा भाई कितना समझदार हूँ। अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं मेरा सोना वापस लूंगा। वापस कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो भरपेट खाना खाकर हम अपना सोना वसूल कर सकते हैं। लो हम क्लब स्लग में पहुँच गए। अब हम अपने स्लग्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से पावरफुल बनाने के लिए तैयार हैं। पर पहले आओ कुछ नए मेहमानों से मिलते हैं। हाय, मैं यहाँ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लब स्लग में क्यों आए हो? मेरा नाम वेलिन है और मैं यहाँ अपने स्लग को अपग्रेड करने आया हूँ। वैसे वीकेंड पर मैं और मेरे कुछ दोस्त मस्ती करते हैं और स्लग स्लिंग करते हैं। इसके बाद मेरे स्लग सबको हरा देंगे। अच्छी बात है। और तुम कौन हो? इस स्लग डेरा में तुम अकेली ऐसी हो जिसने क्रोसियस समुदाय के बारे में नहीं सुना। अगर ये जो कहते हैं वैसा करते भी हैं, तो मैं इस जगह को खरीद लूंगा। देहाती, माफ करना। और तुम क्यों आई हो? मुझे शूट मत करो। ठीक है। टेंशन, लाइन में खड़े रहिए और सीधे खड़े रहिए। सो फ्लॉपर्स, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फ्लॉपर स्लग्स की बात कर रहा हूँ, समझे? वो काम करेंगे ताकि आप आराम करें। आज हमारे साथ शेन के परिवार से भी कोई है। मुझे तुम्हारे इन स्लग्स को ट्रेन करने में खुशी होगी। मैं तो सिर्फ यहाँ वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ। बुरा मत मानिए सर, पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है ये सब सच नहीं हो सकता। मैं बुरा नहीं मानता बच्चे, बहुत बार सुन चुका हूँ ये, लेकिन वीकेंड के बाद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। तो चलो सब लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाओ, बिना अपने सीक्रेट्स बताए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्लग चाहिए डेमोंस्ट्रेशन के लिए। हाँ, मेरा स्लग ले लो, मेरा ले लो। देखा ये स्लग्स कितने एक्साइटेड हैं, ये जानते हैं इनके लिए क्या अच्छा है। मेरा ये स्पेशल स्लग फूड इनमें फूर्ति लाएगा। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। वाह, कितना मजा आ रहा है ना। स्लग को मशीन में लोड करते ही वो रफ्तार पकड़ लेता है, ट्रांसफॉर्म होता है, टारगेट ट्यूब में जाता है और मैगजीन में वापस आता है, जहां पर वो शॉट लेता है। उसके बाद एक और शॉट, एक और शॉट। ये पूरा दिन पूरी रात चलता रहता है और इसी की वजह से वो नई टेक्निक सीखते हैं। वो भी इतनी जल्दी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और स्लग्स को भी ये बहुत पसंद है। अपने स्लग्स मुझे दे दो ताकि हम उन्हें अपग्रेड कर सकें। उनका कमाल, और ये सब होता है बिना किसी मेहनत के। मेरे स्लग में तो अभी से ही पावर आ गई है। तो क्या कहते हो एलाय, मेरा तरीका ट्राई करना चाहोगे? तुम्हारे स्लग्स तो एक्साइटेड हैं। मेरे स्लग्स और मैं पुराने तरीके से ही खुश हैं, और हम सब यहाँ वेकेशन मनाने आए हैं। शेन के परिवार वाले हमेशा पुराने तरीके आजमाते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी फीस पहले ही मिल चुकी है। ओके एवरीवन, बाहर जाकर रिलैक्स करो, ये एक ऑर्डर है। सिवाय तुम लोगों के ऑफ कोर्स। चलो दोस्तों, चलकर वाटर स्लाइड देखते हैं। मानना पड़ेगा प्रॉन्टो, मुझे ये पसंद आया। उसे टिप अच्छी देना कॉड। ये अच्छा सौदा है। पापा हमेशा कहते हैं जो काम किसी और से करवा सकते हो वो खुद क्यों करे, और इसके लिए मैं बहुत पैसे दूंगा। जब मैं घर जाऊंगी तब अपने भाई को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ, जब मेरे स्लग से मैं उसे हरा दूंगी। देखा, किसे वो मशीन पसंद होगी जब आपके पास हो ये। अटेंशन एवरीबॉडी, काफी देर से आपके स्लग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आप देखना चाहेंगे कि आपके स्लग्स में कितना बदलाव हुआ है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो फिर ठीक है, कोई फ्रेंडली द्वंद्व युद्ध करना चाहेगा? क्या किसी ने द्वंद्व युद्ध कहा? मैं तैयार हूँ। क्या बात है एलाय, तो अपने नए स्लग्स को शेन के स्लग्स के साथ कॉन्टेस्ट करेगा? ठीक है,
मैं करूंगा। तो फिर हो जाए। ठीक है बॉयज, एक स्लग और एक शॉट। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम मेरे नए स्लग्स के सामने टिक नहीं सकते। ईलाई शेन, बोलते जाओ कॉर्ड, वैसे भी तुम इसी में माहिर हो। नहीं, इस बार तुम नहीं बोपी, उस पर ज्यादा सख्ती मत बरतना बैंगो। बातें बहुत हुई, तैयार हो जाओ स्लिंगर्स, मेरे इशारे पर। बंद युद्ध। तो एलाई शेन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? एलाई, तुम ठीक तो हो दोस्त? हाँ, लगता तो है तुमने मुझे हरा दिया। तुमने सही कहा, मैं जीत गया मैं। मैंने तुम्हें हरा ही दिया। वो भी नए मूव के साथ, ये कमाल का था। सही कहा, सही बोले, काश मैं तुम पर पैसे लगाता। अब भी विश्वास हुआ कि नहीं? ये सच में कमाल का था। तुम ठीक तो हो बैंगो, क्या हुआ तुम्हें? तुम फाइट हार गए और क्या हुआ। ठीक है, अब मशीन में वापस चलो टपकाए। पावरफुल बनने के लिए अभी कुछ और सेशन लगेंगे। मेरी बारी, मेरी बारी। अब शक्तिशाली ब्रोंटो एलाई को और बुरी तरह से हराएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या कहते हो एलाई? क्या अब तुम अपने स्लग्स को ट्रेन करवाना चाहते हो? ठीक है, चलो बैंगर को एक और मौका देते हैं और देखते हैं रीमैच में वो कैसे करता है। तुम सच में ठीक हो ना दोस्त? मैंने तुम्हें हराने से तुम परेशान तो नहीं? नहीं, ठीक है। मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार मुझे हरा ही दिया, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि एक मशीन स्लग को इतना पावरफुल बना सकती है। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, पर जो भी, तुम हार गए और यही सच है। अब इससे ज्यादा सबूत तुम्हें और क्या चाहिए? लगता है बैंगर को यकीन हो गया है। वो एक स्लग है, लेकिन वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे पावरफुल बना दूंगा। घबराओ मत बैंगो, मैं यहीं पर हूँ। मुझे वो घबराया हुआ नहीं लगता, बल्कि खुश लग रहा है। चिंता क्यों कर रहे हो बच्चे? मैंने ऐसे हजारों स्लग्स को ट्रेन किया है। लगता है उसे ये पसंद आ रहा है। बहुत पसंद आ रहा है। सुबह तक रुक जाओ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। ठीक है, अब थोड़ा विश्वास होने लगा है। कैसा लग रहा है बैंगो? इसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लो, संभालो इसे। चलो, ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है, जितना चाहो उतना खाओ। क्या बात है, अब लो हड्डियां हो, क्योंकि सबसे महान मेला लग रहा जी। अब चलो भी बैंगो, बहुत ट्रेनिंग कर ली। वो बैंगो, जितना चाहे खा सकते हैं। वाह, मैं तो सब खा जाऊंगा जी। अब मुझे हैरत अंगेज कारनामे करने हैं तो मुझे ताकत तो चाहिए ही ना, जो मिलेंगी ये खाकर। हाँ बैंगो, मुझे कभी काटने की कोशिश नहीं करता, ये उस मशीन की वजह से हुआ है। हे, वो चाहे जो भी हो, उन्हें इसमें बहुत मजा आता है। और क्या तुमने देखा कैसे कॉर्ड के स्लग के द्वंद्व युद्ध के बाद बुरी हालत थी? सर्जेंट स्लग ने उसे अपने पास ले लिया, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें पावरफुल बनने में कई सीजन लगते हैं, पंच को ही देख लो, वो काफी शक्तिशाली है। देखो, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो एलाई, पर हमने फीस पूरी भर दी है, इसलिए कैंप के खत्म होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। कैंप खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, तब तक हम यहाँ रुकेंगे और सारे स्लग्स पर नजर रखेंगे। मुझे यकीन है उस मशीन में जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो क्या है ये मैं पता लगा कर रहूंगा। चलो बैंगो, शायद थोड़ी एक्सरसाइज करने से तुम ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं बैंगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
बैंगो, तुम ठीक तो हो? लगता तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है, आखिर हो क्या रहा है? वो हमें चीख कर रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। अब मेरे स्लग्स को ही देख लो, वो मशीन उन्हें पागल बना रही है। यानी मैं सही था, पर कैसे? वो सिर्फ कुछ शॉट्स के लिए पावरफुल बनते हैं, तुम्हें उन्हें फिर से पावरफुल बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। साजन कहते हैं वो मेंटेनेंस है, उनके स्लग्स फिट है पर वो उन्हें हमेशा उसी तरह चार्ज करते रहते हैं। मैं यही तो पता लगाना चाहता था। वादे के मुताबिक ये रहे तुम्हारे नए और पावरफुल स्लग्स। इससे अच्छे स्लग्स कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें ट्राई करने के लिए मैं बेताब हूँ। सबको बताना मत भूलना कि आपके स्लग्स को ऐसा क्लब स्लग ने बनाया है। तुम्हारा मतलब इन सबको चीट करना है ना? ये बनावटी सुधार ज्यादा देर तक नहीं टिकता दोस्तों, और तुम्हें यहाँ बार बार उन्हें सुधारने आना ही पड़ेगा। दोस्त, मुझे यहाँ आना पसंद है। मेरे पैसे, मेरे स्लग्स, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी स्लग को दर्द होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। स्लग को ट्रेन करने में जो वक्त लगता है उसके पीछे एक वजह है, ताकि आप अपने स्लग पर ठीक से काबू कर पाएं। इस तरह किसी न किसी को नुकसान जरूर होगा। ये स्लग्स तो बिल्कुल घूस जैसे बन गए हैं। तुम एक शेम जरूर होगे, लेकिन तुम मेरा बिजनेस बिगाड़ रहे हो। जो मेरा साथ देगा उसे मिलेगा एक महीने का फ्री मेंटेनेंस। लगता है ये सब मेरे साथ है, अब तुम नहीं बचोगे। हम तुम्हारे साथ हैं इलाय। मुझे तो बस इन स्लग्स की चिंता है। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, वो स्लग्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। मैंने इन पर काफी पैसे खर्च किए हैं, तो मैं इन्हें इस्तेमाल तो जरूर करूँगा। हड़िया सब लोग, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, बहुत बास मार रहा। इलाय, सॉरी। अगली बार तुम उसे हरा दोगे बोपी। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे स्लग्स इतने शक्तिशाली हैं। अब तुम नहीं बचोगे। स्लग्स को वेस्ट मत करो, इनके स्लग्स जल्द ही थक जाएंगे। उम्मीद है ऐसा जल्दी होगा। नहीं होगा। रिलैक्स। सच में रिलैक्स? मेरे पास पावरफुल स्लग्स की आर्मी है बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? दोस्त जिनके साथ जीता हूँ, दोस्त जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना बोपी? तुम्हारे पावरफुल स्लग की एनर्जी खत्म हो रही है साजन। बिल्कुल गलत, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे स्लग्स कमजोर हैं, जबकि मेरे शक्तिशाली। तुम्हें यकीन है तुम ये कर सकते हो? तो चलो हो जाए। क्या बात है बैंगो? हमारे स्लग्स को पावर कभी मिली ही नहीं, और हम मरते मरते भी बचे, पर अब हमें कोई धोखा नहीं देगा। कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने सही कहा था कि ये ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल फर्जी है, और इन बेकार स्लग्स की मदद से तो मैं कभी भी अपने भाई को भी नहीं हरा पाती।
अगली बार मैं अपने स्लग्स पर पुराना तरीका ही इस्तेमाल करूंगा, और मैं से मेरा मतलब है मेरा बटलर और शायद मेरा कुक और मेरा ड्राइवर। पर फिर भी वो कमाल का था, है ना? हमारे स्लग्स किस तरह पागल हो गए थे। वेलन, वो कमाल नहीं था। हाँ, शायद तुमने देखा ही होगा, मैं कोई फास्ट लर्नर नहीं हूँ। यही होना चाहिए। क्या बात है प्रॉन्टो, क्या तुम्हारे स्लग्स को ढूंढ रहे हो? स्लग्स नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ हमारा सोना। अब हम फायदा उठा सकते हैं एक ऐसे मौके का जिसके बारे में मुझे अविश्य पता चला है। कैसा मौका? कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुझे एक जीनियस के बारे में पता चला है जो मैकेनिकल बीच को ऐसा सुपर चार्ज करता है कि वो नॉर्मल स्पीड से 5 गुना तेजी से भागते ना।